22 मार्च 1895 को पेरिस में पहली बार सार्वजनिक रूप से एक फिल्म दिखाई गई थी। लुई लुमियर ने फैक्ट्री से बाहर निकलते कामगारों का एक वीडियो रिकॉर्ड कर स्क्रीन पर दिखाया था। इस तकनीक को लुमियर ब्रदर्स ने अपने नाम से पेटेंट भी कराया। ये फिल्म महज 45 सेकंड की थी। इसमें करीब 200 दर्शक आए थे। 1896 और 1897 में इस फिल्म को भारत में भी प्रदर्शित किया गया था। ये पहली फिल्म थी जिसे पर्दे पर लोगों ने देखा। इसके बाद फिल्मों का एक बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है। पहली फिल्म 35 mm पर शूट हुई थी। 22 मार्च को बिहार का बर्थडे है। 111 साल पहले 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर देश का 12वां राज्य बना था और इसका नाम रखा गया था बिहार। दुनिया के ज्यादातर देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसकी शुरुआत बिहार से मानी जाती है। करीब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार के शासकों का चयन जनता के प्रतिनिधि किया करते थे। 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा नाम का एक नया राज्य अस्तित्व में आया, जिसे अब ओडिशा कहते हैं। वहीं साल 2000 में एक बार फिर बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700002414 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।